हेलो बच्चों वेरी गुड इवनिंग क्या आप सबको आवाज आ रही है बेटा हेलो बच्चों सबको आवाज आ रही है बेटा ओके okay, मैं आ चुका हूँ बच्चों तुम लोग कहाँ रहते हो बेटा टाइम से आया करो टाइम से आए करो आदित्य बेटा अंजलि कुमारी हेलो गुड इवनिंग बेटा एहशान रईस रविंद्र यादव मोहम्मद कविश कलुआ भाई गणेश शरिता माधुरी हिमांशु सुहानी सारा परवीन चंद्रसेन हिमांशु अग्रवाल लता चार्ल्स टारविन जश्न बेसुजीत नाजनीन वाह अनामिका चार्ल्स डार्विन खुशरो बेटा खुशरो विवेक निषाद अर्पित वर्मा हाजरा खान अमन बिहारी दिव्या चौहान आरती रावत वंदना पाल लैबा दीपक कुमार शुहानी अमित विधान सिंह एम स्टोरी श्रीकांत कुमार ऋतिक यादव कहकशा परवीन ओके दिनेश कुमार गुप्ता अजीत संखी 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 रक्षित अंसारी जोशना जलज कुमार हिमांशु अग्रवाल रुचि मिश्रा धीरज कुमार निधि शुक्ला आरुषि सरोज पिंकी कौर शैलजा यादव वेरी गुड इवनिंग बच्चों तो सारे बच्चों को इनवाइट करिए एंड वेरी गुड इवनिंग ऑल द माय प्यारे प्यारे बेबीज माय क्यूट बेबीज जल्दी से आइए बच्चे मेरी बिट्टू है ना वो छोटी से भी दो साल की है ढाई साल की हुई है तो उसको जो भी दस बारह साल के पाँच साल के बच्चे दिखाए तो उनको कहती बेबी खुद अभी बेबी हैं है ना और दूसरे बड़े बच्चों कहते हैं कि बेबी माई बेबी मुझे बेबी लेना है पापा है ना स्मार्ट टॉम वेरी गुड इवनिंग बेटा राजेंद्र कुमार बेटा एनसीआरटी टैबलेट जल्दी मिल जाएगी केमिस्ट्री वाली बस ये होली के बाद आपको मिल जाएगी ठीक है होली के बाद मिल जाएगी हाँ रूही रूही है बेबी है। <laughs> ये दादी हो गई बहुत बड़ी बाकी वो बेबी है अभी दस बारह साल का हो गया बेबी है <laughs> नौ, नौ <जाथ> <laughs> कम नौ चलो। देखो तुम लोग जानते हो अच्छा कि तुम लोग जैसे मान लो कि जिस दिन तुम लोग सेलेक्ट हो गए ना जैसे मान लो तुम लोग कॉलेज गए एक अगस्त को ठीक है थोड़ी बहुत रैगिंग होती है ना जैसे मान लो आपका एडमिशन हुआ और आप पहले दिन गए, गए कॉलेज है ना और आपके सीनियर ने पूछा कि बताओ तुम्हारी मान तो लो एक अगस्त 2021 को तुम्हारा सिलेक्शन हुआ इस डेट को तुम्हारा एडमिशन हुआ तुम कॉलेज गए ठीक है एक अगस्त 2021 को तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ मान लो कि है एक मतलब 10 मार्च मान लो दस मार्च दो तीन को तुम पैदा हुए ठीक है तुम कॉलेज गए तुम्हारे सीनियर ने पूछा कि बताओ तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ कितनी है तो तुम क्या बताओगे दस मार्च दो हजार तीन बताओगे ना बस कंटाप पड़ेगा एक तुम डेट बताओगे एक अगस्त दो हजार इक्कीस जिन दिन तुम्हारा एडमिशन हुआ मेडिकल कॉलेज में उस दिन तुम पैदा हुए समझो वो तुम्हारा दिन होगा पैदा होने का तो वहां पर उस दिन से काउंट किया जाएगा ठीक है तो इसका मतलब हाँ एक अगस्त को एग्जाम भी है एक अगस्त को मेरा बर्थडे भी होता है माई बर्थडे एक अगस्त तो डॉक्टर हरिओम गंगवार हूं मैं दिखाई दे रहा है फोटो और मैं तो सामने साथ साथ बैठा ही हूँ दो में मेरा सिलेक्शन हुआ था तो इसका मतलब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं अभी ग्यारह साल का हूँ और तुम लोग अभी पैदा भी नहीं हुई हो पैदा कब हो जिस दिन तुम्हारा एडमिशन होगा वो तुम्हारा पहला दिन होगा हाँ ऐसा ही होता है बेटा ठीक <laughs> है अंजलि का बर्थडे भी एक अगस्त को होता है नेहा वर्मा का भी एक अगस्त को होता है <laughs> तुम तो दुनिया में आया ही नहीं अच्छा तो 24 मार्च से फाइनल लीव फॉर नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन की शुरुआत हो चुकी है नाइन्टी डेज का रिवीजन कोर्स है प्लस पे आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं अर्ली नर्चर बैच आज से शुरू हो चुका है नीट दो के लिए प्लस पे आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं ऑल इंडिया मॉक टेस्ट मुझे उम्मीद है कि आप सबने दिया होगा प्री टेस्ट शेड्यूल है ये और compact, ये और तो संडे को देना ही है कोड कौन सा यूज करोगे बताओ कौन सा कोड यूज करना है एच जी लाइव कोड यूज करना है अनकेडमी लर्निंग ऐप पर कोई भी क्लास मेरी करनी है फ्री वाली उसके लिए भी यही कोड आपको यूज करना है तो लेट्स क्रैक नीट यूज ही ये है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म और ये लर्निंग ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए क्योंकि कल बहुत सारे एम आई में कराने वाला हूँ वट इज एम टेंट टॉपिक ऑफ द एनसीआर टी और अभी तक मैंने सी थ्री साइकिल करा दिया है सी फोर साइकिल करा दिया है कल मैं आपको सी टू साइकिल कराऊंगा क्रेप साइकिल कराऊंगा मकैनिज्म को फैक्टर के बारे में आपको बताऊंगा डिफ्रेंसिएशन डी डिफ्रेंसिएशन रीडिफ्रेंसिएशन एम आई टी में दो चीजें हम कवर करते हैं थ्योरी भी कवर करते हैं और क्वेश्चन भी कवर करते हैं थ्योरी और क्वेश्चन दोनों को हम कवर करते हैं ओके तो डमी लर्निंग ऐप पे आपको क्या मिलेगा डेली लाइव क्लासेस मेरी मिलेंगी लाइव टेस्ट और क्विजेज मिलेंगे स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी मैंने बनाए वो भी आपको मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा जो टॉप एडुकेटर्स उनकी फ्री लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी है ना और एच लाइव कोड का अगर आप यूज करेंगे प्लस के लिए तो आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट भी मिल जाएगा ठीक है टेन परसेंट का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है हम आज करने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी के कंबाइंड क्वेश्चन पांचों चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस करेंगे ओके बच्चों चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो वाटर का डिफ्यूजन होता है उसे क्या कहते हैं अच्छा मोहम्मद जोहार कर रहे एम आई टी की वीडियो नहीं मिली है। दे दूंगा बेटा अभी दे दूंगा ठीक है आज सारे दे दूंगा आसमोसिस मेम्ब्रेन से जो डिफ्यूजन होता है उसे हम कहते हैं टाइम कितना हो रहा है टाइम हो रहा है दस बज के उन्नीस मिनट ठीक है दस बज के उन्नीस मिनट राउंड फिगर में टेन ट्वेंटी ले लो ठीक है टेन ट्वेंटी देखते हैं चालीस मिनट में क्या नब्बे सवाल आप आपते हो फोरस ब्रिंग अबाउट फास्फोरस का काम क्या होता है बेटा फास्फोरस का काम इनमें से क्या होता है हेल्दी रूट ग्रोथ ये रूट की ग्रोथ करा NAD is reduced in photorespiration inside. NAD का रिडक्शन कहां पर होता है क्वेश्चन नंबर थ्री ये थोड़ा सा कठिन सवाल है बेटा क्योंकि NCERT में आपको दिया नहीं गया NAD का रिडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है Which theory explain ATP synthesis in chloroplast and mitochondria? ATP की सिंथेसिस के लिए कौन सी थ्योरी यूज की जाती है आपके नीट में पूछा गया सवाल है बेटा ATP सिंथेसिस के लिए कौन सी थ्योरी हम यूज करते हैं यस yes, कमाउन बच्चों केमी ऑस्मोटिक थ्योरी द मिचेल प्लांट मूवमेंट इन रिस्पांस टू डिफ्यूज स्टिमुलस ऑफ लाइट लाइट के स्टिमुलस की वजह से अगर प्लांट में मूवमेंट होता है तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं लाइट की वजह से होने वाला मूवमेंट क्या कहलाता फोटो कहला फोटो है फोटोटैक्टिक मूवमेंट कहलाता है फोटोटैक्सिक कहते हैं इसे ठीक है फोटोटैक्सिक कहते हैं इसे टाइप ऑप्शन हो जाएगा गार्ड सेल डिफर फ्रॉम एपिडर्मल सेल इन हैविंग गार्ड सेल बाकी एपिडर्मल सेल से अलग होती क्यों इनके पास क्या चीज ऐसी पाई जाती है जो दूसरी एपिडर्मल सेल के पास नहीं पाई जाती है इनके पास कौन सी चीज होती जो एपिडर्मल सेल के पास में नहीं पाई जाती है हुँ. क्लोरोप्लास्ट इनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो एपिडर्मल सेल में नहीं होते हैं विच कैन फंक्शन एज कैरियर इन एक्टिव एन एब्सॉप्शन आपके एमयू में सवाल पूछा गया था क्वेश्चन नंबर सेवन एक्टिव एन एब्जॉर्प्शन में कौन कैरियर की तरह काम करता है लेसिथिन कैरियर की तरह काम करता है अमोनिया इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अमोनिया का प्रोडक्शन कब होता है बेटा अमोनिया का प्रोडक्शन बेटा कब होता है फोटोरेस्पिरेशन में फोटोरेस्पिरेशन में अमोनिया का प्रोडक्शन होता है अल्फा कीटो ग्लोटारेट डिहाइड्रोजिनेज ब्रिंग अबाउट अल्फा कीटो ग्लोटारेट डिहाइड्रोजिनेज ब्रिंग अबाउट ये जो एंजाइम है ये क्या कराता है बेटा ये एंजाइम क्या कराता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज क्या कराता है क्वेश्चन नंबर 9 ऑक्सीडेशन और डिकार्बोक्सिलेशन दोनों काम कराता है ठीक है अल्फा किटोग्लुटेरिक एसिड जो होता है बेटा ना अल्फा किटोग्लुटेरिक एसिड से डिकारबोक्सीलेशन भी कराता है और ऑक्सीडेशन भी कराता है द मूवमेंट अकर ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होने वाले जो मूवमेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं एक्सटर्नल मूवमेंट एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होने वाले मूवमेंट को क्या कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट नेस्टिक मोवमेंट टेक्टिक मूवमेंट सारे होते हैं सारे ही एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होते हैं ड्यूरिंग एब्जॉर्न ऑफ वाटर बाय रूट द वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल सैप इज लोअर देन दैट ऑफ वाटर के एब्सॉर्पन के समय जो वाटर पोटेंशियल होता है सेल सैप का वो कम होता है इससे इसका वाटर पोटेंशियल कम होता है क्वेश्चन नंबर इलेवन प्योर वाटर से भी और सॉयल सोलूशन से भी क्योंकि अगर वाटर पोटेंशियल कम नहीं होगा तो रूट के अंदर डिफ्यूजन के द्वारा वाटर एंटर नहीं कर पाएगा पोटेशियम इज इन्वॉल्व इन पोटेशियम इन्वॉल्व होता है पोटेशियम किस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है बेटा यस कमऑन बच्चों पोटेशियम किस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हम्म हो जाएगा बिल्कुल से. DCMU. DCMU एक है 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 बेटा है ना ये chemical होता है, इसका खरपतवार को मारने के लिए किया जाता है, तो किससे इनहिबिट करता है डीसीएम सिस्टम टू को इनहिबिट कर देता है जिससे जो प्लांट खरपतवार होते हैं उनकी हो जाती है एडीपी से एटीपी एटीपी से एडीपी सिस्टम वॉज फाउंड बाई लिपमैन इन लिपमैन ने इस सिस्टम का पता कब लगाया था क्वेश्चन नंबर इसे हम एटीपी साइकिल कहते हैं तो एटीपी साइकिल का पता लिपमैन ने 1940 में लगाया था इसको टॉपिक मूवमेंट आर इंड्यूस टॉपिक मूवमेंट इसको टॉपिक ये सी होगा बेटा इसको टॉपिक मूवमेंट किसकी वजह से होता है तो इसको टॉपिक स्कोटो मतलब होता है नाइट है ना तो इसको टॉपिक मूवमेंट मतलब नाइट की वजह से जो मूवमेंट इंड्यूस होता है द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल ऑफ कॉर्टेक्स टू द नेक्स्ट ऑफ रूट इज ड्यू टू फिर वाटर का जो मूवमेंट होता है कॉर्टेक्स की एक सेल से दूसरे सेल में किसकी वजह से होता है वाटर का मूवमेंट हमेशा वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से होता है वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से दोनों तरीकों से होता है तो कैरियर और पम्पम मतलब एक्टिव हो जाएगा और कैरियर का मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों से हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ट परफॉर्म सीओ टू फिक्सेशन भाई जो सकलेंट होते हैं सकलेंट मतलब जो रसीले प्लांट होते हैं जो पाए जाते हैं रेगिस्तान में है ना उनमें कौन सा पाथवे होता है कैम पाथवे पाया जाता है एनएडीएच इज प्रोड्यूसड इन एन ए डी एच का प्रोडक्शन कब होता है एनएडीएच का प्रोडक्शन कब होता है बेटा देखो फोटो सिस्टम अगर हम बात करते हैं फोटोसेंथिस में तो फोटोसेंथिस में बेटा एनए डी पी एच बनता है एनएडीपी एच बनता है एन ए डी पी एच एनएडीएच का फॉर्मेशन ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल के दौरान होता है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल के दौरान मोमेंट ऑफ सनफ्लावर टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सन सन की तरफ जो सन uh, लाइट की तरफ जो सनफ्लावर का मूवमेंट होता है जैसे जैसे सन मूव करता वैसे वैसे सूरजमुखी का फूल भी मूव करता है इस मूवमेंट को हम किस नाम से जानते है? This moment is named. हैं दिस मूवमेंट इज नेम्ड है इसे कहते हैं फोटोट्रोपिज्म इसे फोटोट्रोपिज्म के नाम से जाना जाता है

होता है प्रोटीन के लिए पॉइंट नाइन होता है और मैलिक एसिड के लिए मोर देन वन होता है एक से ज्यादा होता है ना तो ट्वेंटी फोर का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा डी हो जाएगा क्लोजर ऑफ लिड ऑफ ए पिचर प्लांट पिचर प्लांट क्या कहता है इंसेक को जब पकड़ता है तो उसका जो लिड होता है वो बंद हो जाता है और ये किसकी वजह से होने वाला मूवमेंट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव

लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्केवेंजर की तरह काम करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस में एनर्जी फ्रॉम लाइट रिएक्शन इज ट्रांसफर्ड टू डार्क रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर किस फॉर्म में होता है तो लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडी पेज बनता है जो डार्क रिएक्शन में ट्रांसफर हो जाता है तो एटीपी और चाहो तो यहां पर एनएडी भी साथ में याद कर लो एन ए, ए और डी और एन इन दोनों को मिला के मैंने एक नाम बताया था आपको सी साइकिल में बताओ क्या कहते हैं ए और एन को मिला के एक नाम देते हैं क्या कहते हैं इसे यस कमॉन पूछो आरक्यू ऑफ द रेस्परेटरी सब्सिटेट सी थर्टी नाइन ए सेवेंटी टू ओ सिक्स ये जो मॉलिक्यूल आपको दिया गया बेटा ये फैट है और फैट के रेस्परेटरी सब्सटेट कितना होता है पॉइंट सेवन होता है एटीपी और एन को मिला के क्या कहते हैं बेटा हर्बिसाइड साइड आर केमिकल विच कंट्रोल हर्बिसाइड केमिकल हैं जो कंट्रोल करते हैं किसको कंट्रोल करते हैं यस ब्यूटी कुमारी असिमिलेटरी पावर आरुषि सरोज बिल्कुल सही बेटा उमेश गौतम असिमिलेटरी पावर हर्बिसाइड हर्ब को मारते हैं है ना ये हर्ब को कंट्रोल करते हैं हर मतलब वीड को खर को कंट्रोल करते हैं तो तीस क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगा अरे वाह अरे वाह दस मिनट में आपने तीस सवाल कर लिए क्या कमाल है दस मिनट और तीस सवाल वाह वाह भाई वाह 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 भाई दस वा। बज के बीस मिनट आपने शुरू किया और दस बज के तीस मिनट तक आपने दस मिनट में तीस सवाल कर लिए क्या स्पीड है आरक्यू क्या है आरक्यू इज द रेस्पिरेटरी क्वेशन या रेस्पिरेटरी रेशियो कहते हैं एन इंटरनल फैक्टर इन ट्रांसपिरेशन इज Transpiration में इंटरनल फैक्टर कौन सा है CO2, oxygen, N2 ये सब तो external factor, stomata, internal या प्लांट फैक्टर भी कहा जाता है plant factor भी कहते हैं विच इज नॉट ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम कौन सा इनमें से फ्री लिविंग नहीं कल भी मैंने कराया था देखो एजोटोबैक्टर तो आप जानते हैं कि बेटा एजोटोबैक्टर uh, सिम्बायोटिक है ना तो पूछा नॉट ए फ्री लिविंग तो राइजोबियम फ्री लिविंग नहीं बेटा ये तो सिम्बायोटिक हो जाएगा इन फोटोसेंथेसिस एनर्जी फॉर पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वन दैट इज एब्सॉर्ब बाई फोटोसेंथेसिस में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए जो एनर्जी है वो तो कौन एब्जॉर्ब करता है कौन एब्सॉर्ब करता है तो सन की एनर्जी बेटा कौन एब्सॉर्ब करेगा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो रिएक्शन सेंटर है वो सन की एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा लाइफ विदाउट एयर वुड बी बिना एयर के लाइफ कैसी होगी लाइफ विदाउट एयर वुड बी एनरॉबिक हो जाएगी बेटा फाइटोट्रॉन इज ए डिवाइस बाई विच कल ही मैंने आपको बताया था बेटा है ना फाइटोट्रॉनिक डिवाइस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं प्लांट आर ग्रोन इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट प्लांट को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो कराते हैं विच इज नॉट एसोसिएटेड विद एसेंट ऑफ सैप इन टॉल ट्रीज टॉल ट्री में सैप एसेंट में कौन रोल प्ले नहीं करता है बेटा जिस क्वेश्चन का आंसर करते हैं उसका नंबर लिख के फिर आंसर किया करें ना

अल्फा कीटो कीटोगलुटेरिक एसिड से किस प्रोसेस से ये भी बता दो जल्दी से अल्फ़ा कीटो एसिड एसिड से ज्यादातर अमीनो सिंथेसाइज होते प्रोसेस का नाम आप बता दो परसेंटेज ऑफ रेडियंट एनर्जी एंटरिंग रिएक्शन साइट इन फोटोसेंथिस विच इज कन्वर्टेड इन पोटेंशियल एनर्जी अरे कितनी रेडियंट एनर्जी जो रिएक्शन साइट तक पहुंचती है और उसे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किया जाता है ये अच्छा सवाल है थर्टी एट आपके एग्जाम में पूछा गया है कितनी थर्टी फाइव परसेंट हो जाएगी थर्टी फाइव परसेंट ये वाला मैंने पूछा था ना अल्फा कीटोग्लोटेरिक कैसे रिडक्टिव एमिनेशन कहते हैं बिल्कुल रिडक्टिव एमिनेशन बिल्कुल सही आंसर है बेटा कैकशा परवीन डीएमिनेशन नहीं कहोगे बेटा प्रियांशु, रिडक्टिव एमिनेशन बिल्कुल सही है रिडक्टिव एमिनेशन अर्चना बिल्कुल सही बेटा रिडक्टिव एमिनेशन हो जाएगा श्रद्धा एनएडी ऑफ क्रेब साइकिल फंक्शन मेरे क्रेब साइकिल में जो एनएडी होता है वो किस रूप में काम करता है तो एनएडी क्या काम करेगा बेटा हम्म बताइए थर्टी नाइन अच्छा सवाल है देखो एनएडी क्या करेगा बेटा एनएडी चेंज होता है किसमें एनएडीएच में तो NAD एडी क्रेप साइकिल में NADH बनाएगा तो एनएडी क्या करेगा ये हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और ये दोनों मिलके क्या हाइड्रोजन बना देंगे तो एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रॉन लीफ ऑफ मेमोसा ड्रोप्स ड्रोप डाउन ऑन टचिंग बिकॉज ऑफ मेमोसा मतलब क्या है छुई मुई जिसे कहते हैं टच मी नॉट टच मी नॉट या इसके और भी कई सारे नाम है इसको छुई मुई कहते हैं या लाजवंती भी कहा जाता है प्यूडिका को लाजवंती कहा जाता है जैसे आप टच करते हैं वैसे इसकी पत्तियां ड्रूप कर जाती हैं उसका रीजन क्या बताया गया है क्या रीजन बताया गया क्वेश्चन नंबर लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू इंटर सेलर पल्विनस एंड पल्विन्यूल ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हाँ, लाजवंती जैसे तुम लोग क्लास में नहीं शर्माते जब सवाल पूछता हूं वैसे शर्मा जाती बिचारी कॉमन बिटवीन गार्ड सेल एंड एंडोफिलसेल गार्ड सेल और मेजोफिल सेल में कौन सी चीज एक जैसी है गार्ड सेल और सेल में कौन सी चीज एक जैसी है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास दोनों में ही क्लोरोप्लास पाए जाते हैं लेग हीमोग्लोबिन इज लेग हीमोग्लोबिन बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू लाजवंती मतलब जिसको शर्म आती हो रेस्पिरेटरी पिगमेंट सप्लाइंग ऑक्सीजन टू एनिमल लेग ना बेटा हीमोग्लोबिन ऑफ एनलिड ये भी गलत है नाइट्रोजन फिक्सिंग पिगमेंट ये भी गलत है नन आंसर हो जाएगा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन पिगमेंट तो नाइट्रोजिनेज होता है वो तो नाइट्रोजिनेज होता है ठीक है वो तो नाइट्रोजिनेज हो जाएगा डी ऑप्शन होगा फोर्टी का फर्स्ट ट्रांजिटरी केमिकल फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन सीओटो एंड आर यूबीपी जब सीओटो और आर यूबीपी बनते तो पहला स्टेबल कंपाउंड तो पीजीए बनता है लेकिन फर्स्ट ट्रांजिटरी केमिकल ट्रांजिटरी मतलब जो थोड़े समय के लिए बनेगा वो कौन सा केमिकल होता है एमयू में पूछा गया था 43 में ए हो जाएगा टू कार्बोक्सी थ्री कीटो वन फाइव बेस फॉस्फोर आइबिटॉल ये एक ट्रांजिटरी कंपाउंड बनता है अगर इसमें वो था फर्स्ट स्टेबल केमिकल तब आपका आंसर क्या हो जाता बी हो जाता हाइड्रोजन रिलीज फ्रॉम सुटेबल सॉरी फ्रॉम सबस्टेट बाई डिहाइड्रोजनेज रिक्वायर वन ऑफ द फॉलोइंग बिफोर रिड्यूसिंग कोएंजाइम एनएडी अगर एनएडी को रिड्यूस करने के लिए अगर एनएडी को रिड्यूस करना चाहता है हाइड्रोजन तो उसमें इसमें से किसकी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर तो अगर हाइड्रोजन उसे रिड्यूस करना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी है ना ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करेगा और किसमें चेंज हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा एनए में इलेक्ट्रॉन की जरूरत उसको पड़ेगी बुल्ली फॉर्म सेल इन ग्रास लिवसो बुल्ली फॉर्म सेल जो होते हैं उनमें किस तरह का मूवमेंट होता है बुली फॉर्म सेल ये फॉर्म सिल की वजह से जो आ, आप जानते नहीं कि जो फॉर्म सिल जब टर्जिड हो जाती हैं तो लिप सरफेस ओपन हो जाती है और बंद हो जाती है तो लिप सरफेस क्लोज हो जाती है 20 मिनट में आपने 45 सवाल कर लिए हैं बीस नहीं वो एक्चुअली अट्ठारह मिनट में अट्ठारह मिनट में आपने पैंतालीस सवाल कर लिए हैं इसका मतलब अगले अट्ठारह मिनट में आप बाकी पैंतालीस भी कर लो ग्रेट बहुत बढ़िया वाटर लॉस्ट थ्रू ट्रांसपीरेशन इस ट्रांसपरेशन में जो वाटर का लॉस होता है वो कैसा वाटर होता है बहुत अच्छा सवाल है बेटा ये ट्रांसपीरेशन में जो वाटर का लॉस होता है वो किस तरह का पानी होता है प्योर वाटर द पिगमेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन नोडुलेटेड रूट कौन सा पिगमेंट प्रोटीन पाया जाता है कौन सा पिगमेंट होता है लेग हिमोग्लोबिन पाया जाता है लेग हिमोग्लोबिन फोटोआटोट्रॉफ लेकिन ए आर कौन से रहते फोटो आटोट्रॉफ होते जिनमें क्लोरोफिल ए नहीं पाया जाता है क्लोरोफिल ए किसमें नहीं मिलेगा आपको जो फोटोसेंथिस करके अपना खाना बनाता है लेकिन उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता क्लोरोफिल ए नहीं पाया जाता फोर्टी एट होते हैं बैक्टीरिया बेटा बैक्टीरिया और एक रूल और ध्यान रखिएगा जिनमें क्लोरोफिल ए नहीं होगा वो कभी ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं कर सकते मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी और एटीपीज लिबरेटेड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके ऑक्सीडेशन से लिबरेट होगी स्टार्च, प्रोटीन, फैट या विटामिन इसके ऑक्सीडेशन से सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है फैट के ऑक्सीडेशन इंटरफेलर फॉर्मेशन इज बाय बाम के फॉर्मेशन को कौन इंड्यूस करता है ये अच्छा सवाल है बेटा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कैम्बियम बेटा क्या होता है साइटोकाइन करा देगा टर्म एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट वर फर्स्ट यूज भाई एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्टन पहली बार किसके द्वारा यूज किए गए थे क्वेश्चन नंबर 51। वन दोमेंदर साहू बिल्कुल बेटा क्विज ये मंडे टू सैटरडे आपकी चलती है है ना मंडे टू सैटरडे आपकी एक क्विज चलेगी टर्म एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट किसने दिए थे मंच के द्वारा दिए गए थे इट्रोजन इनमें से कौन नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता है एजटोबेक्टर फिक्स करता है नॉस्टॉक फिक्स करता है एनाबिना करता है स्पायरोगी है ये फिक्स नहीं करता है कोई भी यू कैरियोटिक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता है नंबर ऑफ ए टी पी प्रोड्यूस फ्रॉम वन पायुर्विक एसिड ड्यूरिंग कन्वर्जन टू तो एस्टाइल को बताओ जब एक पायरविक एसिड एस्टाइल को एं में चेंज होता है तो कितने ए टीपी का फॉर्मेशन होता है एक पाइरुविक एसिड स्टाइल कोएंजाइम ए में चेंज होगा तो क्या होगा एक एनएडीएच बनेगा बेटा एक एनएडीएच और ये एनएडीएच जब ईटीएस में जाएगा तो तीन एटीपी बनाएगा इसका मतलब तीन एटीपी आंसर हो जाएगा करेक्ट तीन एटीपी हो जाएगा एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव जिओट्रोपिज्म पॉजिटिव जिओट्रोपिज्म का मतलब होता है पॉजिटिव मतलब जियो मतलब ग्रेविटी और पॉजिटिव मतलब उसी की तरफ तो ग्रेविटी की तरफ यानी डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट रूट की जो, जो डाउनवर्ड ग्रोथ होती है पॉजिटिव होती है और अपवर्ड ग्रोथ ऑफ स्टेम नेगेटिव जियोज का केस बनता है कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ऑर्गेनिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्च से ऑर्गेनिक एसिड का जब फॉर्मेशन होता है तो उस केस में क्या होता है स्टार्च से ऑर्गेनिक एसिड के फॉर्मेशन में

कैजनस कैजन ये अरहर हो जाएगा अरहर हो जाएगा यस yes. दाल वाला प्लांट हो जाएगा क्लियर विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन प्रोटॉन एक्सेप्टर सबसे कॉमन प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन सा है बेटा सबसे कॉमन प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन सा है देखो जो एनएडी होता है बेटा एनए NAD. NAD जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो NADH में चेंज हो जाता है NADH में है ना और NADP जब करता है तो एन ए डी पी एच में चेंज हो जाता है एनएडीएच कहा पढ़ते हैं बेटा रेस्पिरेशन में और एनए डीपीएच कहा पढ़ते हैं फोटोसेंथिस में ये रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं और फोटोसेंथिस में बी ऑप्शन कट हो जाएगा आयरन पोरफाइरिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स अकरिन आयरन पोरफाइरिन प्रोटीन कहां पर पाई जाती है आयरन कंटेनिंग कौन होता है बेटा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट जो साइटोक्रोम होते हैं बेटा ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होते हैं और इनमें पोरफायरिन भी पाई जाती है इनवायरमेंटल रिदम ऑफ लाइट एंड डार्कनेस प्रोड्यूस लाइट और डार्कनेस जो होती है बेटा क्या प्रोड्यूस करते हैं लाइट और डार्कनेस क्या प्रोड्यूस करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन फोटो पीरियोडिज्म फोटो पीरियडिज्म ट्रांसपरेशन डिफर फ्रॉम इवेपोरेशन इन इवेपोरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन और ट्रांसपिरेशन हो गया इन दोनों में क्या अंतर होता है ट्रांसपीरेशन इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वाइल इवेपोरेशन इज ए फिजिकल प्रोसेस हम तो कपड़े धूप में सुखाते हैं तो वो इवेपोरेशन होता है जो कि फिजिकल एक भौतिक प्रक्रिया है जबकि ट्रांसपिरेशन एक लिविंग के द्वारा ही हो सकता है एनपी के डीनोट एनपी क्या बताता है अपन हाँ बिल्कुल क्लोरोफिल में भी पोरफाइरन होता है लेकिन बेटा आयरन नहीं होता है ना एनपीके क्या है नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम इन तीनों को मिला के कहते हैं एनपीके विच वन इज द इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट ईटीएस के लिए कौन इंपॉर्टेंट है ETS के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 62 स्टाइल को एंजाइम में टेराई कार्बोक्स लेके नहीं यूबी क्यूनोन की जरूरत है हाउ मच यूजेबल एनर्जी इज अवेलेबल ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव कंबशन ऑफ वन ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी वन ग्राम मोल ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से कितनी यूजेबल एनर्जी रिलीज होती है हाउ मच यूजेबल एनर्जी इज अवेलेबल ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव कंबेशन ऑफ वन ग्राम मोल ग्लूकोज तो एक ग्राम मोल ग्लूकोज से थर्टी एट ए बनती है थर्टी एट ए ठीक है और थर्टी एट ए और एक ATP से हमें मिलता है बेटा सेवन पॉइंट थ्री किलो कैलोरी सेवन पॉइंट थ्री मतलब सेवनटी थ्री हंड्रेड कैलोरी मिलती है तो थर्टी एट से कितनी मिल जाएंगी जरा देखते हैं इसको करके आगे दो लाख सतहत्तर हजार चार सौ है ना दो लाख सतहत्तर हजार चार सौ आ जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा यूजेबल पूछा बेटा यूजेबल पूछा इतनी एनर्जी यूजेबल होती है छह सौ ये तो टोटल एनर्जी निकलती है लेकिन इस पूरी एनर्जी को हम बाइंड नहीं कर पाते ना कुछ हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है ठीक है विच कॉम्बिनेशन इज यूज इन द ये भी अच्छा सवाल है बेटा fruit की राइपनिंग में को तो आप जानते ही लेकिन के साथ कल आपको बताया था सीओ टू का भी यूज करते हैं अस्सी परसेंट सीओ टू और बीस परसेंट इथाइलिन के कॉम्बिनेशन यूज करते हैं सेल ए विद ऑस्मोटिक प्रेशर टेन टर्गर प्रेशर टेन इज इन कॉन्टेक्ट विद द सेल बीविंग ओपी फिफ्टीन टीपी ट्वेल्व द फ्लो ऑफ वाटर सेल के लिए देखो इस सेल के लिए डीपीडी निकाल लो आप सेल का डीपीडी कितना है ओपी माइनस टी पी से निकालोगे ओपी कितना दिया है टेन टीपी दिया है पांच तो एसेल का डीपीडी कितना गया पांच बी सेल का डीपीडी निकाल लो बी सेल का जो डीपीडी निकलेगा बेटा वो फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व यानी थ्री आ जाएगा अब देखो ए सेल का डीपीडी पांच आया बी सेल का तीन आया अब जो वाटर का फ्लो होता है वो लो से हाई की तरफ होता है लो से हाई यानी बी से ए की तरफ वाटर का फ्लो हो जाएगा क्लियर डी ऑप्शन आ जाएगा अगर वाटर पोटेंशियल आपको नहीं पता है, तो आप डीपीडी के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे पैसेज ऑफ मिनरल फ्रॉम टॉप सॉयल टू सब सोयल थ्रू सीपेज ऑफ वाटर इज नोन एज अरे वाटर का जो मिनरल uh, का जो ट्रांसपोर्ट होता है सीपेज के थ्रू इसे क्या कहते हैं दैट इज एज लीचिंग इस प्रोसेस को लीचिंग कहा जाता है ये आपको डिकम्पोजिशन में बताया है फाइटॉल चेन इज प्रेजेंट इन फाइटॉल चेन कहाँ पाई जाती है क्लोरोफिल के अंदर फाइटोल चेन प्रेजेंट होती है विच वन इज एब्सेंट इन एरिथ्रोसाइट आरबीसी में कौन सी चीज नहीं पाई जाती है दिमाग लगोगे हो जाएगा क्रेप साइकिल क्रेप साइकिल नहीं होगी क्योंकि क्रेप साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है विच वन इज यूज फॉर द डिफोलिएशन ऑफ फॉरेस्टी डिफोलिएशन डिफोलिएशन का मतलब पत्तियों को गिराने के लिए किसका यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन पत्तियों को गिराने के लिए डिफोलिएशन करने के लिए या डीकेपिटेशन करने के लिए यूज करते हैं टू फोर डी टू फोर डी का यूज करते हैं डी इज इक्वल टू अभी मैंने आपको बताया था डी किसके, किसके बराबर होता है क्वेश्चन नंबर किसके बराबर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर ओपी माइनस टीपी इज़ प्रेजेंट इन द कोर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के कोर में कौन पाया जाता है बहुत अच्छा सवाल है ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का जो रिंग स्ट्रक्चर होता है उस रिंग के कोर में पूछा गया कौन पाया जाता है मैग्नीशियम मैगनीज इनमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है सेवनटी वन तो जो मैग्नीशियम होता है ये कोर बनाता है अच्छा सवाल है गलती होती है इसमें सोर्स ऑफ सीओ टू फॉर फोटोसेंथिस ड्यूरिंग डे इन कैम प्लांटेज। दिन के समय में जो सीओ टू होता है उसका सोर्स क्या होता है क्वेश्चन टू बहुत अच्छा सवाल ये भी है कैम प्लांट आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है तो कैम प्लांट में रात के समय स्टोमेटा ओपन होते हैं क्लोरो सीओ uh, टू अंदर आता है और मैलिक एसिड बना देता है दिन में मैलिक एसिड से सीओ टू बनता है इन बैक्टीरिया द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इज बैक्टीरिया में रेस्परेशन की कौन सी साइट होती बेटा? है बेटा मीजोसोम पाई जाती है एजेंट ऑरेंज इज ये आपको याद करना है, VD site होता है dioxin के साथ मिला के इसको यूज करते हैं ये मैंने पहले भी आपको कराया है. Carotenoid, किस लाइट को जनरली एब्जॉर्ब करते हैं किस लाइट को जनरली एब्जॉर्ब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव ये वायलेट और ब्लू लाइट को जनरली एब्जॉर्ब करते हैं ATP is injected in cyanide poisoning because it is अगर किसी को साइनाइड की पॉइजनिंग हो जाती है तो हम ए को इंजेक्ट करते हैं सीधे क्यों बिकॉज बिकॉज ए टीपी इज नेसेसरी फॉर द सेल्युलर फंक्शन क्योंकि सेलुलर फंक्शन के लिए जरूरी है अगर हम ए इंजेक्ट कर देंगे तो पर्सन की डेथ नहीं होगी क्योंकि सेल काम करती रहेंगी लीफ फॉल अकर व्हेन कंटेंट ऑफ पत्तियों का गिरना शुरू हो जाएगा अगर किसका कंटेंट कम या ज्यादा हो जाए किसका कंटेंट कम या ज्यादा हो जाए क्वेश्चन नंबर 77 ऑक्सिन पत्तियों को गिरने से रोकता अगर ऑक्सिन का कंटेंट डिक्रीज होगा तो पत्तियां गिरने लगेंगी गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट इज नॉट सक्सेसफुल इन मोनोकोट ड्यू टू गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट मोनोकोट में क्यों नहीं करा सकते हैं? 78 क्योंकि वहां पर वेस्कुलर बंडल अरेंज रिंग के फॉर्म में नहीं होते हैं वहां पर वेस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट होता है बेटा वो स्केटर्ड फॉर्म में होता है ऑल द नाइट्रोजनेज एंजाइम हैज बीन इनएक्टिवेटेड बाय रेडिएशन देयर विल बी नो अगर सारा नाइट्रोजनेज एंजाइम इनएक्टिव कर दिया जाए रेडिएशन के द्वारा तो उस केस में क्या नहीं हो पाएगा सेवेंटी नाइट्रोजिनेस एंजाइम क्या करता है नाइट्रोजन को फिक्स करता है तो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय लेगियम लेगियम प्लांट नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाएगा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन लाइट बहुत अच्छा सवाल है बहुत गलती इसमें होती है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस लाइट में, में होती है बेटा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस लाइट में होती है अब इसमें बहुत सारे बच्चे रेड आंसर कर रहे हैं लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा कंटिन्यूअस लाइट कंटिन्यूअस लाइट जो यहां पर ऑप्शन दिया गया लाइट अगर दिया जाएगा तो उसमें सबसे ज्यादा होगा विच कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नॉट ए प्रोटीन कौन सा कंपोनेंट ईटीएस का ऐसा है जो प्रोटीन नहीं है क्वेश्चन नंबर एटी वन

ये तो अगर प्लांट को अंधेरे में रख देते हैं तब हो जाता है मास फ्लो हाइपोथेसिस पुट फॉरवर्ड फ्लो फ्लो हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस किस ए, दिया किसने दिया था बेटा मास फ्लो हाइपोथेसिस किसने दिया था यह दिया गया था मुंच नाम के साइंटिस्ट के द्वारा मुंच ने मास फ्लो हाइपोथेसिस दिया था मुंच के द्वारा मास फ्लो हाइपोथेसिस दिया गया था मास फ्लो हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया मुंच के द्वारा एजोला हैज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एजोला का सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ होता है बेटा एजोला का सिम्बैटिक एसोसिएशन किसके साथ होता है आसान है ए फॉर एजोला ए फॉर एनाबिना क्योंकि कन्फ्यूजन क्या होता है नॉस्टॉक के साथ तो एजोला का सिम्बैटिक एसोसिएशन के साथ होता है प्लांट लिविंग इन ह्यूमिड एनवायरनमेंट इज ह्यूमिड एनवायरनमेंट में जो प्लांट ग्रो करता ह्यूमिड एनवायरमेंट में जो प्लांट ग्रो करता है उसके बारे में पूछा गया है प्लांट लिविंग इन द हॉट एंड ह्यूमिड इन्वास आर द सी फोर प्लांट सी फोर प्लांटेड होते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रेस्परेटरी पी मॉलिक्यूल इनमें से कौन प्रोड्यूस करेगा क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स इसमें ग्लाइकोजन हो जाएगा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बहुत सारे बनेंगे और उससे एनर्जी मिल जाएगी जिब्रेलिन जिब्रेलिन इंड्यूस जिब्रेलिन क्या इंड्यूस करता है बेटा जिब्रेलिन इंड्यूस करता है किसको हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम इन जर्मिनेटिंग सीड है ना ये जर्मिनेटिंग सीड में एंजाइम की हाइड्रोलिसिस को इंड्यूस करता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हाई इन ट्रांसपिरेशन का रेट हाई या ट्रांसपिरेशन कहां पर पाया जाता है वल C3 प्लांट में ट्रांसपिरेशन हो सकता है चलो तो कॉलम मैच कर लो जल्दी से एरोबिक एरोबिक कौन होता है एजुटोबैक्टर तो हो साइनोबैक्टीरिया कौन सा है बेटा यहां पर में क्या हो जाएगा फ्रेंकिया हो जाएगा ट्रॉपिकल ग्रास कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एटी नाइन ए को फाइव से मैच कर लिया आपने और सी को वन से मैच कर लिया बस आंसर आ गया है ना बी आंसर आ गया तो इसका मतलब साइनो बैक्टीरिया जो है ये आलोसिरा हो जाएगा और ट्रॉपिकल ग्रास हो जाएगा हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन आर रिक्वायर्ड टू रिलीज वन मॉलिक्यूल ऑफ सीओ टू रेस्पिरेशन ये मैंने पहले भी आपको बताया है ग्लाइसिन के कितने मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होते हैं एक मॉलिक्यूल सीओ टू को रिलीज करने के लिए दो मॉलिक्यूल ये आपको याद करना पड़ेगा कितना टाइम लगा हमें फोर्टी मिनट्स फोर्टी मिनट्स में हमने 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए ओके तो आज के सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें प्लस और आइकॉनिक के लिए मेरा कोड यूज करेंगे का कर डिस्काउंट पाएंगे वीडियो को लाइक और और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और अभी जस्ट दो मिनट में आपकी क्लास शुरू होने जा रही है ये तो आपकी नीट पंचायत हो गई ग्यारह बजे से अभी क्लास आपकी होगी अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर और हम करेंगे वी आई पीज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ द मॉलिक्यूल चैप्टर पोल के थ्रू रैंक आपकी बनेगी कितनी देर में क्वेश्चन करें उसका भी पता आपको चल जाएगा ओके लाजवंती क्या बेटा प्यूडिका मिमोसा प्यूडिका जिसे आप छुई मुई कहते हैं उसी को लाजवंती कहते हैं ओके okay? तो चलो जल्दी से पहुंचो सब लोग मैं लिंक आपको शेयर कर रहा हूं और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी कहां पर लेट्स क्रैक न्यू ट्यूजी पर ओके okay बच्चों तो बाय बाय टेक केयर